फ्रेंड्स, आज की रेसिपी है कलरफुल नमकीन चिरौटे। के लिए सबसे पहले एक कटोरी मैदा लेंगे, इसमें एक चम्मच अजवाइन डालेंगे, आधा चम्मच नमक, इसे अच्छे से मिला लेंगे। अब दो बड़े चम्मच रिफाइन ऑयल डालेंगे और इसे भी अच्छी तरह से मिला लेंगे। थेली की मदद से तेल को आटे में अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब इसमें बीट रूट का जूस डालकर एक सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। बीट रूट के जूस के लिए उसे काट कर पीस लें और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर छान लें। यह हमारा पिंक कलर का डो रेडी हो गया है। के ऊपर थोड़ा सा तेल लगाकर इसे ढक कर रख देंगे। फिर से एक कटोरी मैदा लेंगे, इसमें एक चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर डालेंगे और काले मिर्च का पाउडर डालेंगे और आधा चम्मच नमक डालेंगे। अब इसे भी अच्छी तरह से मिला लेंगे। फिर इसमें दो चम्मच रिफाइंड ऑयल मिलाएंगे। इसमें पालक की प्यूरी डालकर एक सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। प्यूरी बनाने के लिए उसके पत्तों को बॉईल करके पीस लें। अब हमारा हरे रंग का भी आटा तैयार हो गया है। इसके ऊपर भी हम रिफाइन ऑयल लगाकर इसे ढक कर रख देंगे। अब एक कटोरी मैदा लेंगे, इसमें एक चम्मच चाट मसाला डालेंगे और हाफ टी स्पून नमक डालेंगे। दो चम्मच रिफाइंड ऑयल डालेंगे और अच्छे से मिला लेंगे। इसका भी हमें आटा तैयार करना है। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। हमारा वाइट कलर का आटा भी तैयार हो गया है। इस पे भी हम तेल लगा के रख लेंगे। हम साटा बनाएंगे, उसके लिए दो चम्मच मैदा लेंगे और इसमें रिफाइंड ऑयल डालेंगे। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए। अब सबसे पहले सफ़ेद आटा लेकर इसकी लोई बना लेंगे, इसे बेल लेंगे। इसे हमें बिल्कुल पतला पतला बेलना है। पहला परत रेडी हो गया, इसे एक किनारे रख देंगे और अब हरा वाला आटा लेकर उसकी लोई बनाएंगे। इसे भी हम पतला बेल लेंगे। अब हम गुलाबी रंग के आटे को लेंगे और उसकी लोई बनाकर उसे भी पतला पतला बेल लेंगे।
इसके ऊपर हम साटा लगाएंगे जो हमने तैयार किया था, मैदे और तेल का पेस्ट। इसे हम अच्छे से चारों तरफ लगा लेंगे। इसके ऊपर सफ़ेद रंग की लेयर अच्छे से सेट कर देंगे और इसके ऊपर भी हम साटा अच्छी तरह से अप्लाई कर देंगे। और इसके ऊपर ग्रीन लेयर, इसके ऊपर भी हम साटा लगा लेंगे। एक किनारे से इसे हल्का हल्का प्रेस करके रोल करना है। रोल करने के बाद इसे पतले पतले साइज में काट लेंगे। कटे हुए स्लाइस को अब हम हल्का हल्का बेल लेंगे। इस तरह से हम सारे नमकीन को तैयार कर देंगे। कढ़ाई में तेल गरम करके में नमकीन डालेंगे। इसे पलट पलट कर हमें दोनों तरफ से तलना है जब तक कि हल्का भूरा कलर ना आ जाए। गैस को ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं रखेंगे। तलने में कम से कम 4-5 मिनट लगेंगे। अब हम इसे तेल से निकाल लेंगे। हमारे कलरफुल नमकीन चिरौटे बनकर तैयार हैं।